हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फिश रेसिपी। ये बंगाल का एक फेमस रेसिपी है और गर्मा गर्म राइस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ हिल्सा फिश की हेड और इसे मैंने 15 मिनट के लिए नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट होने के लिए रख दी थी। इसके अलावा मैं यहाँ पे ली हूँ बैंगन, आलू और एक प्याज। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई में ऐड करेंगे सरसों का तेल और जब तेल गर्म हो जाए तब हम लोग जो फिश का हेड लिए हैं वो हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रख के सारे फिश को हम फ्राई कर लेंगे और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसे हल्का सा तोड़ देंगे। तो कढ़ाई में ही हम इस तरह से हम तोड़ लेंगे, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद जो तेल हम लोग का बचा है इसी तेल में हम सारे सब्जी को फ्राई कर लेंगे। तो अब इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे प्याज और फिर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें जो आलू रखे थे वो ऐड कर देंगे और अब आलू को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू ऐड करने के बाद आप इसे कवर करके भी थोड़ी देर पका सकते हैं ताकि जो आलू है वो जल्दी ही बॉयल हो जाए। तो कुछ मिनट चलाते हुए आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब बीच में थोड़ा सा गैप करके इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। और यहाँ पे एक छोटे चम्मच अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट यूज़ की हूँ। अब इस सबको भी अच्छी तरह से कुछ मिनट फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन और बैंगन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करके और बड़ा साइज में काटी हूँ ताकि ये फ्राई करते हुए जल्दी ही गल ना जाए। तो बैंगन ऐड करने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही साथ ऐड करेंगे जीरा पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब सारे मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे कवर करके कुछ मिनट पका लेंगे। तो गैस का फ्लेम लो में करके इसे हम कवर कर देंगे और 2 मिनट तक इसे पका लेंगे और 2-3 मिनट बाद ही कवर हटा के आप इसे चला ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवर करके पकाने से हमारा मसाला से तेल छोड़ने लगा है, मतलब ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आलू और बैंगन है ये ऑलमोस्ट पक गया है, तो इसलिए ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे और 4 से 5 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम में रख के कवर करके पका लेंगे। और 5 मिनट बाद आप कवर निकाल के चेक कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आलू बैंगन अच्छे से बॉयल हो गया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से हो गया है। अब जो हिल्सा का हेड हम लोग फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। और बस इसे मिलाते हुए जब इसका ग्रेवी ड्राई हो जाए तो गैस ऑफ कर दे और गर्मा गर्म राइस के साथ इसे सर्व कर ले। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का ये बंगाली डिश आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें, फ्रेंड फैमिली के साथ एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।